तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएस सेकेंड सेमेस्टर के एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में परीक्षाएं लिखित होने वाली हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो हेल्पफुल है। तो वीडियो को कम्प्लीट देखते रहिएगा यदि आपका एग्जाम आने वाले दिनों में है, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो पिछले सालों में कई बार रिपीटेड है। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पर, और आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला और प्रथम प्रश्न है, ठीक है, बीए सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र, ठीक है। और पहला प्रश्न है कि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए, यानी कि वैदिक काल का जो समय था, ठीक है, उस समय शिक्षा को ग्रहण करना क्यों अनिवार्य था, या फिर उस समय के शिक्षा क्यों जरूरी था, उसका क्या उद्देश्य था, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, उद्देश्य का मतलब ये होगा कि किसी चीज़ के पीछे कोई कार्य के पीछे कारण तो होता ही, उसी तरह कोई ना कोई उद्देश्य होता है तब हम कोई काम करते हैं। ठीक है, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका कोई ना कोई उद्देश्य ही होगा, आपका उद्देश्य यही है वीडियो देख रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम में हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम में हम अच्छे नंबर लेकर आएंगे, ठीक है, इस हिसाब से आप वीडियो देख रहे हैं। तो कुछ पॉइंट वाइज यहाँ पर उद्देश्य है, पहला है कि ज्ञान व अनुभव पर बल। वैदिक काल की शिक्षा का जो उद्देश्य था वो ज्ञान व अनुभव का बल था, पहला। और दूसरा था चित्त वृत्तियों का निरोध, ठीक है, और तीसरा था ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश था, चरित्र का निर्माण था, व्यक्तित्व का विकास था, नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश था, सामाजिक कुशलता की उन्नति थी, और राष्ट्रीय सांस्कृतिक का संरक्षण व प्रसार था। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य थे और कुछ प्रमुख लक्ष्य थे, उद्देश्य थे वैदिक कालीन शिक्षा की, मतलब कि ज्ञान तो प्राप्त करना, उसके साथ साथ अनुभव जो एक्सपीरियंस होता है उसकी जानकारी लेना, उसको समझना, ठीक है, ये उद्देश्य था। और ईश्वर के प्रति लगन लगी रहे, ईश्वर के प्रति हमारा जो एक कनेक्शन है वो बना रहे, ठीक है, और चरित्र का निर्माण यानी कि अपने करेक्टर का जो आप करेक्टर है आपका जो, ठीक है, जिस हिसाब से आप रह रहे हैं, और आपका जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसका जो विकास है, ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य था वैदिक कालीन शिक्षा का। तो इसी तरह के उद्देश्य थे वैदिक कालीन शिक्षा के जिनको आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, और सिंपल सी बात है कि इस बार गारंटी की सुविधा फंसेगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे होते हैं कि हमेशा पूछे जाते हैं। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हमेशा आने वाला क्वेश्चन है, और अभी आपने देखा था कि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, अब वहीं पर क्वेश्चन है कि बौद्ध कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार बौद्ध प्रणाली में शिक्षा विहार या मठ में दी जाती थी, जिसमें सामूहिक जीवन, ठीक है, भ्रातृत्व भावना और जनतंत्र के लिए अवसर प्रदान होता था। तो देख लीजिए बौद्ध कालीन की शिक्षा जो थी उसके कुछ उद्देश्य पहले पे है। पहला उद्देश्य था धार्मिकता का समावेश, इंद्रिय निग्रह पर बल, व्यक्तित्व विकास पर बल, सत्य और अहिंसा की शिक्षा, नैतिक जीवन पर विशेष बल, ठीक है, सांसारिक मतलब कि जो संसार होता है इसको आप लोग बोलते हैं, सांसारिकता से नेतृत्व होकर पवित्र जीवन जीने पर बल, ये था बौद्धकालीन का उद्देश्य। अगला था सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था, मतलब कि सभी तक और हर जगह तक सभी के लिए शिक्षा जरूरी और उसकी व्यवस्था की जाए, ठीक है, लोक स्वभाव द्वारा व्यवहारिक जीवन जीने की शिक्षा, जाति धर्म व वर्ग रहित समिष्ट विकास का लक्ष्य, ये कुछ थे बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा शास्त्र का सब्जेक्ट है, शिक्षा शास्त्र पेपर है, तो सिंपल सी बात है उसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मठ या विहार के बारे में बताइए, ये क्वेश्चन आता लेकिन बहुत कम आता, लेकिन जान लेते हैं थोड़ा परिचय। बौद्ध धर्म का विकास मठों में हुआ था, ये मठ न केवल धर्म के बल्कि या फिर अपितु शिक्षा के भी केंद्र थे, शिक्षा देने का कार्य उनमें निवास करने वाले भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। डॉक्टर आर के मुखर्जी ने लिखा कि बौद्ध मठ बौद्ध शिक्षा और ज्ञान के केंद्र थे, बौद्ध संसार अपने मठों से पृथक या स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं देता था, धार्मिक और लौकिक सब प्रकार की शिक्षा भिक्षुकों के हाथ में थी, उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र भी बौद्ध मठ ही थे। इस संबंध में डॉक्टर अल्टेकर ने लिखा कि मठों ने उच्च शिक्षा में अपनी दक्षता से कोरिया, चीन, तिब्बत और जावा जैसे
अलग अलग देशों के छात्रों को आकर्षित करके भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याद में वृद्धि की है, मतलब कि भारत की प्रसिद्धि मिले, भारत का नाम हो। और इस प्रकार बहुत सारे तरीक़ों से विदेश के लोगों को, विदेश के जो स्टूडेंट थे उनको अपने देश में कैप्चर किया, उनको इस प्रकार इनवाइट किया है, फिर का इस प्रकार एडवर्टाइजमेंट किया कि वो लोग आने पर मजबूर हो गए और अपने ओर आकर्षित किया, और देश देश विदेश विदेश में उसकी चर्चा हो सके, लोग जान सके, विख्यात हो सके, पॉपुलर हो सके, प्रसिद्ध हो सके, उस चीज़ की वृद्धि की यानी कि कंटिन्यू उसमें लगे रहें, ताकि हमारे देश में, भारत देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या फिर बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी कॉलेज मठ हैं जिनसे विदेश के लोग इनमें पढ़ते आते हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध को स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन गारंटी वाला 100% फंसता ही फंसता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा की संभवतः सर्व प्रमुख विशेषता गुरु शिष्य संबंध की थी। उनका संबंध किसी संस्था के माध्यम से नहीं वरन सीधा उन्हीं के मध्य था। इस संबंध का मुख्य आधार उनके पारस्परिक कर्तव्य थे। छात्र अपने शिक्षक का हृदय से सम्मान करते थे, उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। गुरु का सम्मान राजा माता पिता और देवता से किसी भी प्रकार की निम्नतर नहीं होता था। आचार्य की सेवा छात्र अपना कर्तव्य समझते थे, मतलब कि अपना धर्म समझते थे, और गुरु परिवार के सभी कार्यों को करने में आनंद का अनुभव करते थे। यानी कि मतलब कि एक जो टीचर था, एक जो गुरु था, वो अपने शिष्य को एक बेटे के समान समझता था, एक अपने बच्चे के समान समझता था, और एक बच्चा अपने गुरु को अपने पिता के समान हर कर्तव्य का पालन करना, हर आदेश का पालन करना और उनके मार्गदर्शन में चलना, ये सब होता था, ठीक है। यानी कि बहुत ही अच्छा बाउंडेशन था, एक ही बहुत ही अच्छा इन दोनों में संबंध था, बहुत ही अच्छा वाला, ठीक है, गुरु और शिष्य में, ओके। तो इस प्रकार लिखेंगे इसका परिचय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मकतब और मदरसा क्या थे, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो मकतब का अर्थ है उस स्थान से है जहाँ लिखने की शिक्षा प्रदान की जाती है, मतलब कि जहाँ पर लिखने वाली विद्या या फिर ज्ञान बताया जाता है उसको हम मकतब के नाम से जानते हैं, मकतब। यहाँ बालकों की प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, यानी कि शुरुआत की, जो नर्सरी के जी फर्स्ट में जाते हैं। मकतबों में सबसे पहले बालकों को वर्णमाला के शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, गणित की लिपि तथा कुरान की आयतें कठस्थ कराई जाती है। तो मतलब ये सब ठीक है, जो हमारे मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है, मतलब कि आएगा, सभी को लिखना पड़ेगा, लेकिन ये मतलब कि मुस्लिम धर्म से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे, यहाँ शिक्षा भाषण विधि से दी जाती थी तथा सभी विषय व्यवस्थित यानी कि बहुत ही अच्छे रूप में पढ़ाए जाते थे, मतलब डिटेल में, यहाँ सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। सभी मदरसों में शिक्षा का जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम प्रधान था। गुरु शिष्य संबंध मधुर था, बहुत ही अच्छा था। कठोर अनुशासन का पालन होता था। योग्य विद्यार्थी को ही तमगे या संदे दी जाती थी, मतलब एक तरीके से जिनको हम लोग बोलते हैं गिफ्ट है, अवार्ड है, ये सब चीज़ें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शहरीकरण को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन बहुत कम आता तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह संस्कार से आप क्या तात्पर्य है, ये भी बहुत कम आता तो आपकी इच्छा तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर दोनों हैं, अगर आपके पास समय है तो पढ़ें, अदरवाइज इग्नोर करें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आप समझते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से अभिप्राय 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, इसके अंतर्गत सभी जाति वर्ग व धर्म के छात्रों के लिए शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना, विद्यालय सुविधाओं को सार्वभौमिक बनाना और नामांकन और सार्वभौमिक बनाना शामिल है। यह लक्ष्य 1960 तक पूर्ण हो जाने चाहिए थे, किंतु अनेक समस्याओं के कारण आज तक यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। शिक्षा के सार्वभौमिकरण मतलब कि सभी तक इसका जो लाभ है, ये जो शिक्षा है वो सभी तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को, ठीक है। अनिवार्य व निःशुल्क व जरूरी शिक्षा की गई थी, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, ठीक है, कैसा भी हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसलिए ये जो है
ये योजना है एक तरीके से बोल सकते हैं, एक जो मतलब कि एक उद्देश्य रखा गया था, एक लक्ष्य रखा गया था कि सभी तक शिक्षा पहुँचे। ठीक है, तो मैंडेटरी क्वेश्चन है जो कि ये लक्ष्य 1960 तक पूर्ण करना जाना, मतलब कि पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन ये आज तक भी नहीं पूर्ण हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, या फिर जनजात के लोग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग हैं, दलित लोग हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर स्कूल भी नहीं, बहुत सारे जो बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ाई से वंचित हैं, तो पूर्ण भी नहीं हो पाए, क्योंकि संसार अगर सब चीज़ें फुलफिल हो जाएगा तो मतलब ही क्या है, इसलिए फुलफिल नहीं होगा, कोई तो अनपढ़ रह जाएगा, कोई पढ़ा लिखा रह पाएगा, कोई कम पढ़ा लिखा रह पाएगा, इसी तरह बहुत सारी प्रक्रिया है, ये तो पूरा सृष्टि के रचनाकार भगवान का काम है, ये उस पर हम नहीं जाएंगे ज़्यादा। अब आएंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन क्या है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आ चुका है। तो स्वच्छता को मानव संसाधन विकास के एक अपरिहार्य घटक के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। यह सूचना और प्राप्त तथा इसमें भागीदारी करने का एक आवश्यक यंत्र है। यह व्यक्ति के विकास और राष्ट्र की प्रगति के लिए एक पूर्व अपेक्षा है। भारत सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के आधार पर मिशन के कार्यक्रम को सन 1988 में लागू किया। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इस बार भी उम्मीद है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1992 ईस्वी की पुनरीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख कीजिए। तो 1992 की पुनरीक्षित शिक्षा नीति का आधार 1986 इस ठीक है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है नेप है, इसमें 10+2 ठीक है, हाँ 10+2+3 शिक्षा संरचना को अपनाने, शैक्षिक अवसरों की समानता और गुणवत्ता, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लागू करना, नवोदय विद्यालय की स्थापना आज पर बल दिया गया। इस नीति में कुछ भी अलग से जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ, बल्कि उसमें कुछ संशोधन किया गया और फिर एक कार्यक्रम तैयार किया गया। इस संशोधित कार्यक्रम को ही संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिखेंगे 1992 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ संशोधन किया गया था, उसके बारे में परिचय, और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। और अभी जो रिसेंटली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी वो 2020 में आई थी, आप सभी को मालूम ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 और 2020 वाली, ये इंपॉर्टेंट है। 1986, 1992 और 2020 वाली, ये हमेशा फंसती है। नारी शिक्षा के संदर्भ में हंटर जो प्रमुख विद्वान है, इनके आयोग की संस्तुतियाँ पढ़ लीजिएगा, हालांकि हमेशा नहीं आता, कभी कदार आता है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान पर प्रकाश डाली, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, यह योजना फन 2001 में शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम समझते हैं कि यह योजना सन 2001 में शुरू की गई थी। कौन सी? सर्व शिक्षा अभियान। आपने हर सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के सामने लिखा और देखा होगा सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, और आपके बुक में भी लिखा रहता सरकारी वालों में। ठीक है, तो यह कार्यक्रम राज्य के सहयोग से चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत देश की प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने, संकल्प वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष या फिर 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी एवं स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल है, यानी कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। एक अभियान चलाया गया, एक योजना बनाई गई ताकि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले, ताकि वो आगे चल के किसी न किसी अपने जॉब में है, कोई वैकेंसी है, कोई बिजनेस है, उसमें अपना कदम उठा सके। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अगर अशिक्षित लोग रहते हैं, अशिक्षित स्टूडेंट रहता है, तो वो तो खुद में आज नहीं तो कल वो कोसा जाएगा ही जाएगा, फैमिली वाले कोसेंगे, रिलेशन वाले कोसेंगे, साथ साथ में देश का भी इससे नाम खराब होता है। ठीक है, क्योंकि विदेशों में कहते हैं कि हाँ, इतने प्रतिशत जनसंख्या जो भारत की वो अनएजुकेटेड है, मतलब पढ़ी लिखी नहीं, तो उसमें आप भी शामिल होंगे। ठीक है, तो इस तरह सभी लोगों का पूरा ठीक है जो बदनामी है, एक तरीके से बोल सकते हैं, और एक तरीके से बोल सकते हैं कि बेइज्जती, ठीक है, तो ये सब होती है, तो इसलिए ज़रूरी शिक्षा है। और अगला प्रश्न है कि कलकत्ता मदरसा पर टिप्पणी लिखिए, अपव्यय और अवरोधन क्या है। इसी तरह के और भी क्वेश्चन इस PDF में दिए गए हैं, जिनको आपको तैयार कर लेना है। PDF आपको टेली व्हाट्सएप पर मिल जाएगी,
तो वहाँ पे डाउनलोड करके इनमें दिए गए क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और एक क्वेश्चन और है, तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमेशा आता है, तो ये गारंटी के साथ इस बार भी प्रश्न आएगा 100% श्योर, इसके बारे में जरूर तैयार करके जाइएगा। ये क्वेश्चन गारंटी वाला, तक्षशिला एवं नालंदा वाला। बाकी आपका अपना ही चैनल सक्सेस हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।